क्या आप भाड़े के घर से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपना घर लेना चाहते हैं तो स्टार रियलिटी लाया है सुनहरा ऑफर। सिर्फ 2,21,000 में ले सकते हैं आप अपना खुद का घर 5 साल की आसान किस्तों के साथ। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें 9503198799 7352740661 और अपने सपनों का घर आज ही लें। मैं फरीदा, आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। दिल्ली की एक केंद्र स्कूल में कथित तौर पर नाबालिग छात्र के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। स्कूल के 2 सीनियर छात्रा पर आरोप है कि उन्होंने गलती से धक्का लगने पर पीड़िता छात्र के साथ वॉशरूम में गैंग रेप किया। कथित घटना जुलाई महीने की है जिसकी जानकारी अब सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पीड़िता इस हफ्ते एक पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां अपनी आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। उधर दिल्ली महिला आयोग ने मामले पर और स्कूल अधिकारी को नोटिस जारी किया है। छात्रा ने शिकायत में बताया है, एक दिन स्कूल में क्लास के बाहर उससे गलती से दोनों सीनियर छात्रा से धक्का लग गया। पीड़िता ने बताया कि उसने दोनों सीनियर छात्रा से माफ़ी भी मांगी थी, इसके बावजूद लड़के ने उसे कथित तौर पर गाली दी, वॉशरूम में ले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर रेप किया। पीड़िता के मुताबिक उसने स्कूल की एक टीचर से इसके बारे में बताया भी था। उस टीचर ने आरोपी को स्कूल से निकालने का वादा किया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिकायत में पीड़िता स्कूल टीचर और स्कूल के लोगों पर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया है। नई दिल्ली की DCP अमृता गुगलोक ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, यौन उत्पीड़न और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर स्कूल के पदाधिकारी का कहना है कि पीड़िता ने इस मामले की जानकारी स्कूल प्रिंसिपल को नहीं दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में वो दिल्ली पुलिस के सहयोग कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन को भी जांच का आदेश दिया गया है। इस बीच मामले पर दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल ने दिल्ली पुलिस को और स्कूल प्रशासन को नोटिस भेजा है। स्वाति मालेवाल ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दिल्ली के एक स्कूल के अंदर 11 साल की छात्र के साथ सम्भोगिक बलात्कार का गंभीर मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि स्कूल टीचर ने मामले को दबाने की कोशिश की। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजधानी में स्कूल भी बच्चों के लिए असुरक्षित है। मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महिला आयोग ने पुलिस से FIR और गिरफ्तारी की कॉपी उपलब्ध करवाने का कहा है। इसके अलावा स्कूल के अधिकारी की भूमिका का भी जांच करवाने की मांग की है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666477110। धन्यवाद।